अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ जनाब मैकबुक की बैटरी पे, कि उसकी बैटरी हेल्थ कैसी है और कितनी टाइमिंग है। तो वैसे तो मैं मतलब डेली बेसिस पे 2-3 कभी 4 घंटा कभी 3 घंटा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक वीक में लास्ट वीक में मैंने इसको फुल चार्ज किया था, आज मैंने या तो उसके बाद में किया। तो फुल चार्ज ये हो जाता है 1.5 घंटे में, ये फुल चार्ज हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने डेली बेसिस पे इसको चेक किया कि मतलब तीन चार घंटे में यूज़ करता रहूँ तो एक हफ्ता मेरा पूरा वीक निकल गया। तो मतलब 25-28 घंटे आप लगा सकते हो कि इतना, मतलब फिर भी 15-18% फिर भी बाकी थी। अगर वो भी शायद यूज़ करता तो हो सकता है मेरा 2 दिन और निकल जाते। तो बैटरी टाइमिंग अच्छी है मैकबुक एयर की इसकी, तो ये M1 मॉडल है मैकबुक एयर, तो बैटरी टाइमिंग इसकी ठीक है। तो कोई भी दोस्त हमारा लेने जा रहा है या लेना चाह रहा है तो वो आंखें बंद करके भी ले सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी 35-40 दिन ही हुए लिए हुए। तो फिर भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि अभी बैटरी टाइमिंग इसकी क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लैपटॉप की अगर बैटरी टाइमिंग बहुत कम है तो वो बड़ा इशू बन जाता है, वो बार बार उसको चार्ज करना या कुछ। तो लेकिन मैं ये है कि जब चार्जिंग पे लगाता हूँ मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, एक बार चार्ज फुल करके और चार्जर डिस्कनेक्ट करके फिर ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आईफोन का चाहे फ़ोन हो चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, और जब ये फुल हो जाए कोशिश फिर बंदा देखते भी रहो कि जब फुल हो जाए तो उसको निकाल देना चाहिए प्लग को, ये ना कि फुल 100% हो जाए फिर भी लगा रहे चार्जिंग पे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे जो दोस्तों ने टिप्स दी हैं जिनके पास हैं ये, तो मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक तो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कुछ अरसा गुजरेगा फिर देखेंगे क्या सीन है इसका क्या नहीं है।